जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम होगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज को किस प्रकार समझा जाएगा, ये त्रिभुज हमें क्या काम आता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो केवल और केवल ट्रायंगल पर बात करने वाले हैं। साथियों, त्रिभुज क्या होता है, कैसा होता है, इसका शेप किस प्रकार का होता है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया है सर ए बी और सी, ठीक है। इसका नाम है प्यारे बच्चों एबीसी, और एबीसी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे बोल सकता हूं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। इसका जो प्रारूप है, इसका त्रिभुज का जो सिंबल है वो छोटा ट्रायंगल होता है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि त्रिभुज का एक एंगल ए होगा, एक एंगल बी होगा, एक एंगल सी होगा। मैं इसे बोल सकता हूं एंगल ए, एक है एंगल बी और एक है एंगल सी। प्यारे साथियों, बहुत ही जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल के इस ट्रायंगल क्यों बोले ऐसे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा ए बी, पहली भुजा कौन सी दी है सर ए बी, दूसरी है सर कौन सी बी सी, तीसरी कौन सी है सर सी ए। ये तीन भुजाएं दी गई हैं ट्रायंगल के अंदर। वह तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहां से बोलूं कि सर एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इसके आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको ध्यान से समझिए। दूसरी बात, ट्रायंगल जो होते हैं ये आपको जब हम एरिया वॉल्यूम करेंगे उसके अंदर भी समझेंगे इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, लेकिन हम ज्योमेट्री के अंदर क्या चीज समझ पा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसके तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इसकी तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी ए आपके सामने हैं, ठीक है। अब ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा रेखाएं कोण से जोड़ता हूं। प्यारे बच्चों, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया, और ये मैंने 30 डिग्री बोला, ये मैंने 60 डिग्री, ये मैंने आपको बोल दिया 70 डिग्री बोल दिया, ठीक है। तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 70 30 100, तो यहां 80 डिग्री बचा। लेकिन सर ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल कितना बचेगा? तो आपकी तुरंत दिमाग में आएगा सर ये 100 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री। यानी आपको यहां से जो सीखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है उसे आप समझें। मैं इसको डी नाम दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। बेटा एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा, यानी इन दोनों कोणों का सम कितना है? 100। तो ये भी क्या होगा? 100, ठीक है। यहां अगर इनका सम कुछ और होता तो यहां भी कुछ और होता। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात यहां से सीखने को मिली। अब इस लाइन को मैं इधर बढ़ा दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने ई दे दिया। ध्यान से सुनिए, यहां पर एंगल कितने डिग्री का होने वाला है? सर एक लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। ये अगर 30 है तो यहां 150 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। सर मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो एंगल होगा ये इस और इस एंगल के सम के बराबर होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। प्यारे बच्चों, ये आपकी टर्म नंबर सेकंड। अब मैं बात करूं तीसरी टर्म पर, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं, इस वाली लाइन को मुझे ऊपर बढ़ाना है,
अब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, ये वाला एंगल क्या 110 डिग्री होगा? सर बिल्कुल होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो प्यारे बच्चों इसका मैंने नाम दे दिया क्या, यहां DE तो इसका नाम मैं F दे रहा हूं, ठीक है? आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं कैसे। अब मैं बोलने वाला हूं कि इसमें जो एंगल आपका बी और सी है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सम ऑफ सी ए एफ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है ये बाह्य कोण। ये बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज का, अगर कोई बाह्य कोण हम निकाल रहे हैं तो उसके सम्मुख वाले दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। देखो कैसे, 80, 70, 150, 150 है सर, है सर, ये 100 है तो 70, 30, 100 है सर, 80, 30, 110, 110 है, बिल्कुल यही है। अब मैं एक बात बोलूं कि इन तीनों एक्सटीरियर एंगलों का सम करिए, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो सर 100, 100, 100, 300, 50, 60, 360। कहने का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होगा वो प्यारे बच्चों वो कितना होगा, सर 360 डिग्री होगा। अगर मैं कहता हूं आंतरिक कोणों का सम कितना होगा, आंतरिक कोणों का सम कितना होगा, तो कोणों का जो योग होगा वो बच्चे 180 डिग्री होगा, ठीक है। 80, 30, 110, 180 हो गया पूरा। बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री, आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री। अब यहां से एंगल 1, 2, 3 मैंने आपको समझा दिया कि यहां से जो एक्सटीरियर एंगल बाह्य एंगल होता है वो सम्मुख वाले विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इस बात को भी आप समझेंगे, इस त्रिभुज से आपको यह सीखने को मिलता है साथियों। आप इस बात को क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। आइए हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप आपके सामने क्या है समझेंगे, एक डायग्राम में दोबारा से अब आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत ही आसान वे में चलेगा, टेंशन ना ले। बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको इस ज्यामिति ट्रायंगल को समझा रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप समझते हो तो कहीं ना कहीं अपने 2 से 3 नंबर पक्के करते हो एग्जाम के अंदर। प्यारे साथियों मैं ट्रायंगल आपके सामने रखा, अब ट्रायंगल के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करें ट्रायंगल पर। अगर मैं एक ट्रायंगल लिया ही, ठीक है, मैंने बोला आपसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। प्यारे विद्यार्थियों यहां से इस वाले को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए सी, इस वाले की भुजा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल बी से, इस वाले को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल सी से, ठीक है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। प्यारे बच्चों मैंने बोला कि अगर यहां से मैं बोलता हूं कि त्रिभुज की ये भुजा अगर इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसका नाम मैंने 5 दे दिया, ठीक है, तो आपको सीखने को क्या मिलेगा, आप समझेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट बोला बेटा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर यहां से एक तो सी, अब सी की वैल्यू ये मान लो, बी की वैल्यू ये मान लो, ए की वैल्यू ये मान लो, ठीक है, सब कुछ आपके सामने होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे सर ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी करो, तो कितना आएगा, सर 9 आएगा, ठीक है। और तीसरी भुजा कौन है, सी, और सी की वैल्यू क्या है सर, 3। क्या ये 9 3 से बड़ा नहीं है, सर बड़ा है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, मैं इसे ये बोल सकता हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का सम सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ए प्लस बी, बी प्लस सी ए से बड़ा होगा, ए प्लस सी बी से बड़ा होगा। क्या आप इस बात पर गौर नहीं कर पा रहे, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
प्यारे बच्चों इस बात को आप ध्यान से समझ लें कि अगर मैं 5 4 9 करूंगा तो भी 3 से बड़ा, 5 3 8 करूंगा तो भी 4 से बड़ा, और 4 3 7 करूंगा तो भी ये बड़ा। ठीक है, ये तो हुई पहली बात कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं बात को थोड़ा सा इसी को डिफरेंट वे में बोलना चाहूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगर इसको मैं सेकंड वे में बोलना चाहूं, प्यारे विद्यार्थियों इस बात को आप समझ पाए होंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। मैं अगला पॉइंट आपके सामने रखता हूं, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। कहने का मतलब यह हुआ a-b, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो कहने का मतलब c बड़ा है, b-c a बड़ा है, a-c क्या बड़ा है सर, b बड़ा है। इसको समझो, ये क्या कहता है सर, अगर मैं a में से b घटाऊं, 5 5 में से मैं 4 घटाऊं तो 1 1 जो है 3 से छोटा होगा, यानी 3 बड़ा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट अप करके रखोगे तो ये आपको बिल्कुल परफॉर्मा सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आपका यहां से रूल क्लियर होता है। पहला मैंने आपको समझाया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यहां त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, आगे चले, तीसरा रूल हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको मैंने अभी समझा दिया था। अब हम पढ़ते चौथा रूल और चौथा रूल आपके सामने होगा, यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं बराबर। देखो भाई सुनो, यदि दो भुजाएं, मान लीजिए आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल रखा, ये ठीक है, ये वाला ट्रायंगल रखा, इसका नाम ABC है। ठीक है, ये दो भुजा बराबर कर दी मैंने। ठीक है, अगर ये दोनों भुजा बराबर कर दी, माना कि एक्स एक्स, तो ये क्या कर दिया सर, वाई कर दिया। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इस तीसरे रूल में इस बात को बोला जाता है कि यदि दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा अलग हो तो इन समान भुजाओं से बनने वाले कोण भी समान होते हैं। ये आपको समझना है सर, कैसे समान होते हैं। अगर ये वाले एंगल की बात करूं, ये अगर आपका 90 है ना, तो फिर ये 45-45 डिग्री हो गया। सर ये क्यों हुआ, क्योंकि जब इधर और इधर लेफ्ट राइट की दोनों भुजाएं समान हैं तो इनसे अंतरित होने वाले कोण भी क्या होंगे सर, समान होंगे। अगर ये दोनों भुजा समान होंगी तो ये दोनों एंगल समान होंगे, अगर ये दोनों भुजाएं समान होंगी तो ये एंगल समान ये दोनों होंगे। चलो एक ट्रायंगल और लेते हैं, आपको समझाने के लिए। मैंने बोला कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब की बार मैं समान करने वाला हूं इन दोनों को, ये एक्स ये एक्स, तो बताओ क्या ये दोनों एंगल समान नहीं होंगे सर, होंगे। अगर इसको मैं यहां से थीटा बोलता हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस टू थीटा होगा, बिल्कुल सही है। क्लियर सर, यहां पर अगर ये समान होंगे, भुजाएं समान, तो ये एंगल भी समान हो जाएंगे।
आइए अगले पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। अगला पॉइंट ऑफ व्यू आपका फोर नंबर का पॉइंट होगा। फोर नंबर के पॉइंट में क्या दिया गया है उसको भी हम आपके सामने रखते हैं। पॉइंट नंबर फोर, जो भुजा बड़ी होगी, जो भुजा बड़ी होगी, जैसे कि मैं बात करता हूं ये एंगल, एंगल ये रहा एक ए बी सी, ठीक है। अगर मैंने बोला आपके सामने एंगल इसके तीन रखे, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, मान लीजिए सपोज दैट ये मैंने 90 डिग्री का एंगल रख दिया, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये मैं 90 डिग्री एंगल रखा तो मैं बोला ये 5 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि बड़ी वाली भुजा के सामने बड़ा वाला एंगल होगा और छोटी वाली भुजा के सामने छोटा वाला एंगल होगा, ये सदैव आपको ध्यान रखना है। बड़ी भुजा जो होगी ये बड़े कोण को रिप्रेजेंट करेगी, बड़े कोण को रिप्रेजेंट करेगी, और छोटी भुजा हमेशा छोटे कोण को रिप्रेजेंट करेगी, ये ध्यान रखना। सर 3 सेंटीमीटर 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, 60 डिग्री 4 सेंटीमीटर को, और यहां पर 5 सेंटीमीटर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। यानी बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा होगी और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी, और मीडियन वाले कोण के सामने मीडियन वाली भुजा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट ऑफ व्यू। अगला पॉइंट ऑफ व्यू इसी के अंदर, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बिल्कुल होता है जी। अगर मैं बोलूं ये 4 है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इनका योग करो 41 होगा, जो इस 3 से तो बड़ा ही होगा। सर होगा बड़ा। दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा 3 है, 3 के वर्ग से भी क्या होगा सर? बड़ा होगा। बिल्कुल सर होगा। अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा सर? वो न्यूनकोण होगा, वो समकोण होगा सर? वो कौन सा होगा? तो कहीं ना कहीं वो न्यूनकोण को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं आगे के थ्योरम्स की ओर। तो आइए अब आपके सामने त्रिभुज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लाइए साहब स्क्रीन पर, देखिए आपके सामने त्रिभुजों की सर्वांग समता। पहली बात करेंगे सर्वांग समता के साथ। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता किस प्रकार से होती है, सर्वांग समता का मार्क्स क्या होता है, इसको भी समझे। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज डीईएफ ये सर्वांग सम का मार्ग है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, ये तो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, एस ए एस के नियम से। ये एस ए एस है क्या भैया? पहला नियम हम पढ़ रहे हैं एस ए एस, तो इसका मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब भुजा, साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण, और एस का मतलब फिर भुजा, साइड। तो भुजा कोण भुजा का नियम पढ़ रहे हैं। सर्वांग समता होता क्या है इसको ध्यान से समझो। मैं कहता हूं इसका हर अंग इसके बराबर है तो वो क्या होगा? सर्वांग सम होगा। कहने का मतलब ए बी भुजा डी के बराबर होगी, बी सी भुजा ई एफ के बराबर होगी, ए सी भुजा डी एफ के बराबर होगी, हर एंगल इसके समान होगा, हर भुजा इसके समान होगी, तब ये दोनों आपके ट्रायंगल क्या होंगे सर? सर्वांग सम होंगे। अगर बात करें हम एस ए एस नियम के तहत, तो पहला आपके सामने क्या रखा हुआ है रूल्स नंबर 1 के तहत देखें, एस ए एस ए बी बराबर डी, बिल्कुल सही है, ए बी डी ई के बराबर हो गई, बी सी ई एफ के बराबर हो गई, बिल्कुल सही है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस छोटे से डायग्राम के अंदर देखो, इसका नाम ए बी सी रखा गया है, इसका नाम ए बी सी रखा गया है, ये डी ई एफ रखा गया है। अगर ये एक नंबर इसके बराबर है
दो नंबर इसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों, इनके बीच बनने वाला एंगल भी कैसा होगा? सर समान होगा। जब इस प्रकार का प्रारूप आपके सामने आ जाए, सर आपके सामने ए बी बराबर डी ई आ जाए और सर आपके सामने बी सी बराबर ई एफ आ जाए और कोण बी बराबर कोण ई आ जाए, तो मान लेना दो ऐसे ट्रायंगल एस ए एस नियम के तहत सर्वांग सम होते हैं। मैंने क्या समझाया? ये ए बी भुजा डी के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके बीच में होने वाले अंतरित होने वाले कोण भी कैसे होंगे? सर समान होंगे। तो कोण बी ई के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सर सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये तो बात हुई इस प्रकार से, इन दो भुजाओं को बना करके हमने आपको समझाया। अगर इसी ट्रायंगल को मैं सेकंड वे में समझाऊं तो भी हम कैसे बोलेंगे? तो दूसरा इसका सेकंड वे भी आप समझो, ऐसे ऐसे नियम ये आपका तीन प्रकार से लगता है और तीनों प्रकार से मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथियों इधर मैं आपके सामने रखता हूं, हो सकता है वो आपको नहीं दिख रहा हो या दिख भी रहा है तो भी कोई बात नहीं, इसको मैं इधर रखता हूं, ठीक है। इधर आपके ये ट्रायंगल आपको भली भांति से दिख रहे होंगे दोनों, ये आपके सामने ए बी और सी, इसका नाम डी ई और एफ। मैं कहता हूं ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। बेटा मैं बोलूं भुजा ए बी, सॉरी भुजा ए सी, भुजा ए सी बराबर होगी डी एफ के और भुजा बी सी बराबर होगी ई एफ के। अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं एक दूसरे त्रिभुज के, तो बीच में अंतरित होने वाला कोण भी कैसा होगा? सर समान। तो कोण सी बराबर कोण एफ। आखिरकार ये हुआ कि जब दो भुजाएं समान हो गई और एक एंगल समान हो गया एस एस ए, तो कहने का मतलब ये हो गया, इसे हम बोल सकते ऐसे एस नियम के तहत कि त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ। प्यारे विद्यार्थियों इसे आप ध्यान से समझें, सर्वांग समता का ये पहला नियम है। ये आपको कई बार रीट पटवार इत्यादि एसएससी बैंक रेलवे कहीं भी कोई भी आपको किसी भी परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकंड नियम के अंदर। अब सेकंड नियम कैसा है वो भी आप समझे। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाए, ये आपको समझाया तो आपको ये क्लियर हुआ। अब इसी में जैसे कि आपको 1 2 3 ये तीनों चीजें क्लियर होंगी, अब ट्रिपल एस नियम हम समझेंगे कि साथियों ट्रिपल एस नियम कैसे लागू होता है। ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। प्यारे बच्चों मैं कहता हूं एक नंबर, मैं कहता हूं दो नंबर, मैंने बोला तीन नंबर, आप एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ये तीनों तरीके से समझ रहे हो। एक नंबर वाला डंडा एक नंबर के समान, दो नंबर वाला दो नंबर के समान, तीन नंबर वाला तीन नंबर के समान। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भुजा ए बी डी ई के बराबर है, बिल्कुल सही है। सर भुजा बी सी किसके बराबर है? सर ई एफ के बराबर है। सर ए सी भुजा क्या डी एफ के बराबर है? सर है। ये बताओ फिर ये क्या है सर भुजा, ये क्या है सर भुजा, ये क्या है सर भुजा, ये एस एस एस। एस का मतलब सिंबल होता है साइड साइड साइड। अगर तीन साइड समान हैं तो कहने का मतलब नियम कौन सा? सर ट्रिपल एस का नियम, ट्रिपल एस का नियम। और ट्रिपल एस के नियम को कहते हैं सर सर्वांग समता का नियम। और इसके अंदर जब तीन साइड बराबर हो गई तो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ, ये इसे हम बोल सकते हैं। सर ये आपका रूल नंबर सेकंड होगा। कौन सा रूल नंबर? सर रूल नंबर सेकंड होगा। रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझाया एस ए एस का नियम, रूल नंबर सेकंड समझाया सर्वांग समता का ट्रिपल एस का नियम। अगर ये बात आपको अच्छा लगा हो तो अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल होगा ए एस ए का, ए एस ए का रूल। ए एस ए का रूल किस प्रकार से लागू होता है सर्वांग समता के अंदर, इसको भी हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये दो ट्रायंगल बनाए, देखिए ट्रायंगल ये दो सामने,
इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है सर डीईएफ, ठीक है। एक बात बताओ प्यारे साथियों, एएसए का नियम की बात कर रहा हूं, ये भुजा इस वाली भुजा के समान है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है, ठीक है। अब ये अगर ऐसे समान है तब तो इसमें जो लागू होगा वो एस ए एस का नियम लागू होगा, लेकिन लेकिन जब मैं इस प्रकार से अगर यहां से दो भुजाओं को समान ना करके एक भुजा को मैंने समान किया, ठीक है, अगर एक भुजा को मैंने समान किया तो प्यारे साथियों मुझे ये बताओ कि यहां से दो एंगल समान कर दूं, मैं दो एंगल अगर मैं समान कर दूं, और एंगल भी कौन से समान करूं, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि एंगल 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 अगर बी, अगर ये भुजा समान हो जाए तो एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी एफ के बराबर बी ई के बराबर, तो प्यारे बच्चों जब ये एंगल समान हो गए तो बी सी किसके बराबर होगा, सर बी सी ई एफ के बराबर होगा। तो कहने का मतलब एंगल एंगल और ये साइड है, तो ए एस ए के नियम के तहत ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ कहलाएगा। समझो समझो भाई, जब मैं आपको कहता हूं कि अगर ये दो एंगल समान हैं तो इनके बीच वाली भुजा भी समान होगी, अगर ये दोनों एंगल समान हैं तो इनके बीच वाली भुजाएं समान होगी, अगर ये दोनों एंगल समान हैं तो इनके बीच वाली भुजाएं भी समान होगी, यानी ए एस ए का नियम, ए एस ए का नियम तीन प्रकार से लागू होता है ट्रायंगल पर, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है कोण बी बराबर कोण ई, बी ई के बराबर है, बिल्कुल सही है, सी एफ के बराबर है, बिल्कुल सही है, बी सी ई एफ के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। आपका ये थर्ड वाला रूल भी क्लियर होता है, मैंने आपको पहला रूल बताया साथियों एस ए एस का रूल, ठीक है, दूसरा रूल बताया ट्रिपल एस का रूल, और तीसरा बताया ए एस ए का रूल। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, आइए साहब अगले पर लेके आइए। अगला रूल आपके सामने है और रूल इस प्रकार से है कि दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, इसके अंदर आरएचएस वाला रूल लागू है। आरएचएस वाला रूल किस प्रकार लागू होता है तो इसे आप समझें। सर कोण बी बराबर कोण ई, देखो ये दो समकोण त्रिभुज हैं, इसमें बोला गया कि कोण बी बराबर कोण ई क्या समान नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हैं सर, 90 डिग्री के, बिल्कुल। अगर दोनों एंगल समान है 90 डिग्री, और इसमें बोलता है सर ए बी बराबर, सर ए बी जो है अगर डी ई के बराबर हो जाए, अगर ए बी बराबर डी ई के बराबर हो जाए कोई बात नहीं, ए सी आपका डी एफ के बराबर हो जाए, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं सिद्ध करके बताता हूं आपके सामने, ध्यान से देखो। अगर मैं आपको ऐसे कहता हूं ये तीन है ये चार और ये पांच है, ये तीन है ये चार और ये पांच है, ठीक है, अगर ये आपको इस प्रकार से नजर आ रहा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है, जब ये एंगल ही समान है ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, अगर ये आपको दिख रहा है कि ए बी जो है, ए बी जो है डी ई के बराबर है और ए सी जो है वो आपका डी एफ के बराबर है, तो ये ट्रायंगल निश्चित ही सर्वांगसम है और इसे आरएचएस का नियम बोलेंगे, यानी समकोण वाले नियम के तहत, समकोण वाले नियम के तहत ये आपका सर्वांगसम त्रिभुज हो सकते हैं। ये सर्वांगसमता के नियम से ये वाले दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं सर, सर्वांगसम हो सकते हैं। अगले नियम को देखते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं सर, समान होते हैं। अब इस बात को भी हम सिद्ध करते हैं, देखिए आपका सर्वांगसमता का ये अंतिम नियम है, इसको आप ध्यान से समझें कि किसी त्रिभुज एबीसी में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ए बी बराबर ए सी, ए बी अगर ए बी अगर ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है, तो कोण सी
कॉर्ड बी के बराबर है, तो ये दोनों कॉर्ड कैसे होंगे, सर बराबर। यदि एसी बीसी के बराबर है, एसी बीसी के बराबर है, तो कॉर्ड बी बराबर कॉर्ड ए, कॉर्ड बी बराबर कॉर्ड ए, ठीक है साहब। इसके बाद एबी बीसी के बराबर है, एबी बीसी के बराबर है, ठीक है, तो कॉर्ड सी कॉर्ड ए के बराबर है। कहने का मतलब इसका ये है प्यारे साथियों, ये है, इसको समझो आप। मैं इसमें जो बताना चाह रहा हूं वो बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझेंगे। अगर ये दोनों भुजाएं समान हो जाएं, देखो भाई सुनो, अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, समान। जब ये दोनों भुजाएं समान तो ये दोनों एंगल भी समान, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं, सर ये सर्वांग सम त्रिभुज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वांग समता के नियम लागू होते हैं, सर ये त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सिचुएशन की ओर हम बढ़ते हैं, लेके आइए अगला। अब त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, इसे हम समझेंगे। समरूपता के अंदर थेल्स प्रमेय पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये थेल नहीं है, थेल्स प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है सर, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये आपका ट्रायंगल है, ये मिड वाली जो समानांतर रेखा है ए बी सी, ये डी है और ये ई है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये थेल्स प्रमेय के अंदर प्यारे विद्यार्थियों के बीसी समानांतर डीई के समानांतर है, बीसी भुजा डीई के समानांतर है, तो अब हमें थेल्स प्रमेय किस प्रकार लागू होती है, तो इसके तीन जो फॉर्मेट है उन तीनों को मैं आपके सामने रखता हूं। अगर फर्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो पहला इनका रेशियो समान होता है। रेशियो कैसे समान होता है, अब इस बात को भी आप समझें। यदि मैंने बोला सर एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी का रेशियो सर ए इक्वल टू होगा एई अपॉन सीई के। पहला, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य से खींची गई रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो याद रखिएगा उनका रेशियो उनके रेशियो के बराबर होगा। कैसे सर, एडी बीडी, एडी अपॉन बीडी एई अपॉन ईसी के या सीई के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करना चाहूं आपसे विद्वानों, तो ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला ए बी, सर क्या बोला, ए बी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, तो ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन क्या होगा सर सी ई, ये दूसरा है विद्वानों। और अगर मैं बात करूं तीसरा, यहां से तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है सर, तीसरी सिचुएशन हो सकती है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू हो सकता है सर ए ई अपॉन ए सी। इस प्रकार से इस थेल्स प्रमेय का जादू होता है, इस थेल्स प्रमेय का फैक्टर इसी प्रकार से काम करता है कि इसमें देखें एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, बिल्कुल सही है। दूसरा एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी बिल्कुल सही है, तो एई अपॉन एसी बिल्कुल सही है। सर एबी, एबी अपॉन डीबी, एबी अपॉन डीबी और आपका एसी अपॉन सीई, ये आपका हुआ। तो ये तीनों आपके थेल्स प्रमेय वाला मामला भी क्लियर होता है। थेल्स प्रमेय इसी प्रकार से रेशियो इनका क्या होगा सर, बराबर होगा। थेल्स प्रमेय लागू कब होती है, जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो भुजाओं के मिड बिंदु से खींची गई और तीसरी भुजा के समांतर जो रेखा होगी वो हमेशा थेल्स प्रमेय पर आधारित होती है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए साहब, इसमें क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसके आधे के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर ये चार है तो ये क्या होगा, दो होगा, ये एक है तो ये क्या होगा सर, ये एक बटा दो होगा। इसको ध्यान से देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने अभी इस बात को बोल के समझाया था आपको कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु डी और ई हैं, मिलाने वाला रेखाखंड डीई है,
तीसरी भुजा के समानांतर इसके समानांतर ये है तथा इसके आधे के बराबर है, बिल्कुल सही है कि d की वैल्यू जो है वो 1/2 bc के बराबर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ऐसा ये थ्योरम बोल रहा है। चलिए अगले और चलिए, अगर हम आगे आते हैं साथियों तो इसके अंदर देखो क्या कहता है कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा के शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। कोण ए का समद्विभाजक AD है, बिल्कुल सही है। समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या है, इस लैंग्वेज को समझो साथियों। ये इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और यहां से ये दो एंगल है। अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री है और इसी का नाम क्या है सर, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि किसी एक कोण को बराबर दो टुकड़ों में बांटना ही समद्विभाजक कहलाता है, यानी दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो विभाजित करता है तो ये किस प्रकार के थ्योरम पर डिपेंड करता है तो इसकी थ्योरम भी समझें सर। AB अपॉन AC इसका रेशियो समझो सर। AB जो है वो AC के अपॉन में जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा BD अपॉन CD का। कहने का मतलब इस वाली भुजा का जो रेशियो होगा वही इस वाली भुजा के साथ जो रेशियो होगा वो उनकी नीचे वाली बेस भुजाओं के रेशियो के इक्वल टू में होता है। ऐसा आप इस त्रिभुज के कहीं ना कहीं समद्विभाजक के रूल से समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। समरूपता का जो नियम है वो क्या है, अब मान लीजिए मैं इसको आप बेसिक बात से समझाऊं। समरूपता का मतलब क्या होता है कि किसी छोटी या बड़ी आकृति दोनों समरूप हो सकती हैं। सर्वांगसम छोटी और बड़ी आकृति नहीं हो सकती, सर्वांगसम हमेशा सेम आकार की होंगी, उसके अलावा सेम आकार भी होगा, सब कुछ उनके एंगल भी सेम होंगे, लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं, बड़ी छोटी लेकिन उनका शेप सेम जैसा होना चाहिए। कैसे, जैसे एक त्रिभुज तो मैं ऐसा बना दूं और एक मैं छोटा सा बच्चा बना दूं तो ये वाला एक नंबर और दो नंबर दोनों समरूप हो सकते हैं। समरूप कब हो सकते हैं, जब मैं इनमें एंगल और इनका साइड ये कहीं ना कहीं मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूं तो ये समरूप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना डायमेंशन के, बिना एंगल के समरूप नहीं हो सकते। तो आइए अब हम समरूपता को समझते हैं। समरूपता क्या है, समरूपता कैसे समझी जाएगी, समरूपता का मार्ग क्या होता है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप का ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों समरूप हैं। ट्रायंगल समरूप का जो पहला नियम है एंगल एंगल एंगल। प्यारे विद्यार्थी एक बात बताइए, एक प्रश्न तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा, एक ट्रायंगल तो सर ये है और एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल तो ये है और एक ट्रायंगल ये है, क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है वो समरूप हो सकते हैं सर, ये समरूप हो सकते हैं सर, ये समरूप कैसे हो सकते हैं। चलो देखो, अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है सर, ये 90 डिग्री है सर, ये 90 डिग्री है, क्या अब ये समरूप हैं? हां ये अब समरूप है। क्या सर ये सर्वांगसम है? नहीं है, इसका शेप छोटा है, इसका शेप बड़ा है, लेकिन शेप एक जैसा है तो वो समरूप हो सकते, वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। ठीक है सर, वो कैसे समझें? प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताइए, ट्रायंगल ए ट्रायंगल डी के बराबर है, बिल्कुल सही है। ट्रायंगल बी ट्रायंगल ई के बराबर है, बिल्कुल सही है। ट्रायंगल सी ट्रायंगल एफ के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो ये तीन ट्रायंगल हैं क्या, एंगल एंगल एंगल, तो बोले तो ट्रायंगल ट्रिपल ए के नियम से, ट्रिपल ए के नियम से, ट्रिपल ए का नियम से ये बात बोला जाता है, जब तीनों एंगल इसके तीनों एंगलों के समान है तो ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल डीईएफ समरूप होंगे।
इसको हम समरूपता कहेंगे। सर ऐसे समरूप होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सर समरूपता के अंदर एक चीज और हो सकती है, सर क्या हो सकती है? कि इस वाले ट्रायंगल की भुजाओं का रेशियो इस वाली ट्रायंगल के भुजाओं के रेशियो के समान होगा, यानी उनका रेशियो समान हो सकता है। भुजाएं कभी भी समरूपता में समान नहीं हो सकती, सर्वांग समता में भुजाएं हमेशा समान होती है, जबकि समरूपता में उनका रेशियो समान होता है। ठीक है, अगर एक बात तो मैंने ये बोली, अब इसका अगर मैं समरूपता के साथ इनका रेशियो कन्वर्ट करता हूं तो साथियों देखो, इसका मैं रेशियो बोल सकता हूं एबी, एबी अपॉन डीई, एबी अपॉन डीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू एसी अपॉन डीएफ। प्यारे विद्यार्थियों, ये रेशियो इस रेशियो के समान होगा, ये रेशियो इस रेशियो के समान होगा, और ये तीनों रेशियो समान होंगे। माना कि मैं यहां 1 2 3 बोलता हूं, 1 2 3 बोलता हूं, ठीक है, तो इन तीनों का जो रेशियो होगा वह समान होगा। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, इस प्रकार से जो भी ईटीसी कुछ भी है, यहां से इसको यहां प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब अब ये क्या होंगे, आपका ट्रायंगल वो ए ए के नियम से ये समरूप हो जाएंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं, इसी बात को आगे भी बढ़ाते हैं। एक बात बताइए, मैं माना कि इसको ट्रायंगल के जो समरूपता का नियम है, इसमें एक बात और बता देता हूं। ये आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी, और एक जो ट्रायंगल है इसमें हो गया बेटा डीईएफ, ये ठीक है, ध्यान से समझना, ये 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है, और ये 90 डिग्री है। इसको दूसरा एंगल प्रदर्शित करते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, यहां 60 डिग्री है, यहां 30 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है। चलो इसको सिद्ध करके बताइए, क्या ये समरूप ट्रायंगल हैं? अगर समरूप हैं तो बताइए कैसे समरूप हैं। सर ये बताइए, 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? सर एफ। इसका कौन सा है? सर बी। कहने का मतलब यह हुआ एंगल बी बराबर एंगल एफ इज इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। सर सी वाला एंगल डी वाले एंगल के बराबर है, सी वाला एंगल डी के बराबर है, बिल्कुल सही है। सर 60 डिग्री वाला ए, ए वाला 60 डिग्री ई, यानी एंगल ए बराबर एंगल ई के बराबर है, बिल्कुल है। क्या ये तीनों एंगल समान है? बिल्कुल सही है। तो ये जब तीन एंगल आपके समान हो गए तो इसे हम ट्रायंगल को ट्रिपल ए के नियम से समरूप कह सकते हैं इन दोनों को। अब आइए हम रेशियो के हिसाब से बात करें, तो रेशियो इसको कब बोलेगा? देखो समझो, मैं इसको बोलूं बेटा कि इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो कैसे हो सकता है, तो इसका 30-60, इसका 30-60, इसको मैं बोल सकता हूं बी ए, बी ए एफ ई, बी ए एफ ई का रेशियो इज इक्वल टू बी ए एफ ई का रेशियो इज इक्वल टू 60-90 वाला रेशियो, यानी ए सी, ए सी का रेशियो जो होगा 60-90 वाला, यानी ईडी के रेशियो के बराबर होगा। और अगर मैं कहता हूं 60-30 वाला हो गया क्या? सर ए बी वाला हो गया, हो गया। अब बी सी वाला 30-90 वाला, देखो 30-90 वाला डी एफ, बी सी डी एफ, ये बी सी आपका और ये डी एफ, यानी ये रेशियो कैसा है? इक्वल टू है। इसे हम कह सकते हैं कि जो समरूप दो त्रिभुज होते हैं ना, उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, जबकि भुजाएं समान नहीं होती। ये आपको साथियों ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अगर यहां से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, अगर मान लीजिए आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहे, तो मैं इसको एक तरीके से और आपको समझा सकता हूं, क्योंकि आपको ये समरूपता अगर समझ में आ गई तो आपको कई क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे जिसको आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बोला बेटा, इसको 2 बोल दिया, ठीक है, और 60 वाले को मैंने बोल दिया सर 5 बोल दिया, 90 वाले को मैंने 10 बोल दिया, ठीक है, 2 5 10 का रेशियो बोल दिया। इसके सामने 30 के सामने मैंने 2 बोल दिया, 60 के सामने वाले को मैंने 5 बोल दिया, इसको मैंने 10 बोल दिया। कहने का मतलब क्या होगा? सर इस वाले का इस वाले के साथ रेशियो क्या होगा? 2:2 होगा।
सर दूसरा वाला पांच वाले का पांच वाले के साथ रेशियो क्या होगा? सर 5/5। सर 10 वाले का 10 वाले के साथ क्या होगा? 10/10। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सब का मतलब एक हुआ, और एक होने का मतलब क्या होने जा रहा है? सर ये दोनों क्या है, ये सभी, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं समरूपता के अगले नियम की ओर। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है ट्रिपल ए का नियम, एंगल एंगल एंगल। चलो सर अगला लिखाइए। अब डबल ए की समरूपता का नियम क्या हो सकता है? तो आपको मैं दो ट्रायंगलों से समझाता हूं। देखो ट्रायंगल आपके सामने दो बने हुए हैं एबीसी, एक तो एबीसी का बना दिया, एक ये छोटा सा डीईएफ का, डीईएफ का, और ये है ट्रायंगल एबीसी का। प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताओ, एक तो एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है और एक दिख रहा है डीईएफ। अगर वो बोल रहा है कि ये वाला एंगल ए डी के बराबर, अगर मैं यहां समझा रहा हूं तुम्हें, और या बी को मैं ई के बराबर कर रहा हूं, अगर ये 30 डिग्री कर दिया, ये 60 डिग्री कर दिया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री कर दिया, तो ये 90 डिग्री तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर, हो जाएगा। प्यारे साथियों अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों एंगल समान हैं, जब ये दोनों एंगल समान हैं, तो तीसरा एंगल तो अपने आप समान हो जाएगा, होगा कि नहीं? सर होगा। इसका मतलब यह हुआ जब एंगल ए बराबर एंगल डी है और एंगल बी बराबर एंगल ई है, और तो बताओ क्या एंगल सी बराबर एंगल एफ नहीं हो सकता? सर होगा, होगा। तो यहां जब डबल एंगल भी देगा तो भी हम उसे समरूप समझेंगे, क्योंकि तीसरा एंगल यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यह आपको ध्यान से समझना है कि यहां से जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल स्वतः ही सेम हो जाएगा, तो दो एंगल वाला ट्रायंगल भी आपके समरूप हो सकते हैं। तो इसे बोल सकते हैं डबल ए के नियम से, एंगल एंगल के नियम से, अतः ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। साथियों ये आपका डबल ए का समरूपता का नियम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए समरूपता के अलावा मैं सर्वांग समता देखता, अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल और एक भुजा समान हो, दो एंगल और उनके बीच वाली भुजा समान हो, तो याद रखिएगा वो सर्वांग सम भी हो सकता है। लेकिन यहां उल्टा पुल्टा है कि यहां पर जब दो एंगल समान हैं तो तीसरा एंगल भी समान हो जाएगा, समरूप तो वो हो जाएगा लेकिन उसे समरूप सर्वांग समता नहीं कह सकते जब तक कि ये दोनों भुजाएं क्या ना हो, समान ना हो। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं इसका तीसरा नियम, ट्रिपल एस समरूपता का नियम, इसको समझो। वापस लो, ये समरूपता का ट्रिपल एस का नियम क्या है इसे देखिए। अब ये दोनों जो आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं, इन डायग्राम को फिर एक बार देखो। आपको हर एक नियम को बताने के लिए मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि साथियों अगर ये आपको नियम आते हैं ना तो हर क्वेश्चन का जवाब आपके जहन के अंदर होगा, और आपसे अगर ये नहीं आता सर्वांग समता समरूपता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो ट्रिपल एस का समरूपता का नियम क्या है, इसका मतलब यह है कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। अगर मैं सर्वांग समता की बात करता हूं, समरूपता को थोड़ा साइड साइड करके, तो सर्वांग समता पे मैंने बताया था एबी अगर डी के बराबर, बीसी अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब तो वो सर्वांग समता का नियम कहलाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों जब यहां पर ट्रिपल एस में समरूपता का नियम आता है तो इस बात को समझ लेना कि एबी का रेशियो अगर मैं डीई के साथ की बात करूं और बीसी का रेशियो ईएफ के साथ बात करूं और एसी का रेशियो डीएफ के साथ बात करूं, अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल टू है तो याद रखना वो क्या होगा? सर वो ट्रिपल एस का नियम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल एस के नियम के तहत, इसके नियम से ये दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ ये क्या होंगे? सर समरूप होंगे।
ये ट्रिपल एस के नियम के तहत समरूप होंगे, तो इसे आप समझ सकते हो, कहीं पागल मत हो जाना। ट्रिपल एस समरूपता का नियम कब लागू होता है? ये जब लागू होता है जब इनकी भुजा का अनुपात इस वाले एंगल के, इस वाले ट्रायंगल के रेशियो के साथ अगर समान होता है, अगर इन तीनों का जैसे कि 1/2 आ गया, 1/3 कुछ भी आ जाए, वो रेशियो अगर समान होता है तो वो समरूप होंगे। ये आपका तीसरा नियम ट्रिपल एस का, समरूपता का नियम है। अब हम बढ़ते हैं एस ए एस की समरूपता। ऐसे एस की समरूपता के अंदर देखिए क्या दिया गया है प्यारे साथियों। एस ए एस की समरूपता क्या कहती है? समरूपता यह कहती है कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एंगल ए दोनों समान है, ये मैंने बोल दिया बेटा 40 डिग्री, ये मैंने बोल दिया 40 डिग्री, प्यारे साथियों एंगल ए बराबर एंगल डी बोल दिया। अगर ये दोनों एंगल समान हैं, अगर ये दोनों एंगल समान हैं और इसकी दो भुजाओं के रेशियो समान आ जाएं, जैसे कि AB upon DE और AC upon DF, ये मिड वाला एंगल समान है, मिड वाला एंगल समान है तो AB का DE के साथ, AC का DF के साथ अगर इनका रेशियो समान आ जाए, यानी इनके हिस्से का जो रेशियो आएगा वो इक्वल टू में आएगा, जब एक एंगल और दो भुजाओं के रेशियो समान आ जाएं, तो मान लेना उसके अंदर एस ए एस के नियम के तहत, ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? समरूप हो जाएंगे। ये आपका चौथा नियम भी लागू हो जाता है। कहने का मतलब सर, ये समरूपता के अंदर क्या सर्वांगसम नहीं हो सकते? सर ये सर्वांगसम कब हो सकते हैं? सर ये सर्वांगसम जब हो सकते हैं जब दो एंगल समान हो और बीच की एक भुजा समान हो, तो ये सर्वांगसम हो सकते हैं। जब दो भुजाएं समान होती, ये वाली मान लीजिए अगर ये इस प्रकार से होता, इस प्रकार से अगर ये होता, ध्यान से देखो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वाला इसके समान, ये वाला इसके समान और इनके बीच का एंगल समान हो जाए, जैसे कि यहां 10 और यहां भी 10, अगर ये भुजा इस भुजा के समान, ये भुजा इस भुजा के समान, बीच वाले एंगल समान, तो ये एस ए एस के नियम के तहत सर्वांगसम हो जाता। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का रेशियो है संगत भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी दो जो आपका समरूप ट्रायंगल हैं उनका पैरामीटर हमेशा उसकी संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर, पैरामीटर तो उसकी भुजाओं के रेशियो के बराबर है जबकि एरिया उसके वर्गों के स्क्वायर, उसके वर्गों के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जबकि उनका पैरामीटर उनकी भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। भाइयों ध्यान से सुनो, उनका जो एरिया होता है ना, एरिया उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है जबकि परिमाप उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दोनों लाइनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, जैसे कि मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया एबीसी अपॉन ट्रायंगल एरिया डीईएफ इक्वल टू AB upon DE स्क्वायर, इस बात को बोला जा रहा है। ये वाली बात इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया एबीसी एरिया डीईएफ उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाएं ABDE हो गई, इनके भुजाओं के स्क्वायर 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 कर दिया, इसके बराबर होता है, ये इस बात को बोलता है। जबकि दूसरा इस बात को बोलता है, सेकंड, समरूप त्रिभुजों के परिमाप,
तो कहने का मतलब पैरामीटर और परिमाप आपका एबीसी का, एबीसी का परिमाप, परिमाप एबीसी, परिमाप डीईएफ, डीईएफ का जो रेशियो होगा वो होगा एबी अपॉन डीई, एबी अपॉन क्या होगा सर डीई, इसमें सीधा इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है सर, अगर ये दोनों बात क्लियर हैं तो अब हम बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर। तीसरे बिंदु में क्या दिया गया है, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों का होता है। बिल्कुल सही है, ऐसा मैंने आपको समझाया था, यदि आपको ट्रायंगल याद आ जाएगा तो दिमाग के अंदर आ भी जाएगा। देखो समझो, मैंने कुछ ऐसे समझाया था आपको, ये अगर x तो ये भी x, इसको ऐसे समझाया था जो रेशियो इन दोनों भुजाओं का होगा AB अपॉन AC इक्वल टू होगा BD अपॉन CD। ये बात इस बात को बोला जा रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, ठीक है, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों का होता है। ये इस बात को बोलता है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। बिल्कुल सही है, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी वही होता है जो कि संगत शीर्ष लंबों का होता है। बिल्कुल सही है, ये कुछ बिंदु हैं जो आपको याद करने हैं, इन याद करके इन बिंदुओं को ध्यान में रखना साथियों, ताकि हम आगे की बात कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आइए प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और पहले क्वेश्चन में दिया गया है ये ट्रायंगल एबीसी में यदि 2 कोण A 3 कोण B और 4 कोण C हो तो, अब आपको साथियों यहां से एबीसी का रेशियो निकालना है, कोण ए कोण बी और कोण सी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, तो इनके जो मल्टीपल गुणांक हैं उनको उल्टा करके रख दीजिए, तो 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, रेशियो में लाइए 12, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, यानी इन तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो रेशियो है वो 6:4:3 है। ठीक है, अगर 6:4:3 है तो रेशियो का आंसर इसमें पूछा गया एबीसी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा साथियों, 6:4:3 होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी प्रकार से है जो हमने अभी किया है, अब इसमें करने का एक दूसरा तरीका और मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको इसको करने की सहूलियत भी होगी। ए बी और सी का रेशियो, यहां भी ए बी और सी का रेशियो, ठीक है, एक तरीका तो यह है कि ए का मल्टीपल कौन है 3, तो इसको उल्टा करो 1/3, बी का मल्टीपल 4 उल्टा करो 1/4, सी का मल्टीपल 6 तो उल्टा करो 1/6, एलसीएम क्या आएगा सर 12 आएगा, 3 से 4 बारी जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा, एलसीएम को छोड़ देते हैं रेशियो में और रेशियो आएगा 4:3:2। ठीक है, अब एक बात तो ऐसे रही रेशियो निकालने की 4:3:2, दूसरी बात कैसे रहेगी 3, 4 और 6, बताओ ऐसी कोई संख्या जिसमें भाग चला जाए, इन तीनों का भाग चला जाए 12, तो 3 का भाग लगाइए 1 बार 4 बार, 4 का लगाइए 3 बार, 6 का लगाइए सर 2 बार, रेशियो आ चुका है डायरेक्ट आ चुका है सर। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है जी, होता है क्या, होता है सर होता है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, जब तीनों कोणों का सम 180 डिग्री है तो इन तीनों का रेशियो कितना यूनिट होगा, ऐड करो 4, 3, 7 और 2, 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 180 को, तो एक यूनिट का मतलब 20 होगा, तो 4 का मतलब कितना 80 डिग्री, 20 + 60 डिग्री, 20 × 2 = 40 डिग्री, सर 4, 3, 7, 2, 9, 9 का मतलब 180 यूनिट है, तो यहां पर 9 यूनिट का मतलब 180 है, तो 1 का मतलब 20, तो 20 × 80, 20 + 60 और 20 × 2 = 40, कैसे भी कर लीजिए आपको आंसर बहुत ही कम समय के अंदर मिलने लगेगा।